आज आजमगढ़ जिले के सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। पत्रकारों से हुई बातचीत में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि हमारी पार्टी से जो परिपत्र आया हुआ है, हम उस पर कैसे कार्य करना है निर्णय लिया जाएगा और जनपद में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसके बारे में हमारे पदाधिकारी अपनी बातों को रखेंगे और पुनः हम सभी अधिकारी से वार्ता करेंगे। महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। आलू का दाम 45 रुपए किलो, प्याज का दाम 90 रुपए किलो है, इसके संबंध में वार्ता करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आगे क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने, देखें हमारी इस रिपोर्ट में। जी सर, बताएं आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। देखिए, यह बैठक जो हमारी पार्टी का परिपत्र है, किस तरह से हमको काम करना है उसके संबंध में जो परिपत्र आया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग निर्णय लेंगे। और दूसरे, जो जनपद में पूरी जो आपराधिक घटनाएं या जुल्म हो रहे हैं, दमन हो रहे हैं, उसके संबंध में हमारे पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे और पुनः हम लोग उस संबंध में अधिकारियों से वार्ता करेंगे। आज जो महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है, आलू का दाम 45 रुपये किलो, प्याज का 90 रुपये किलो, सभी सामान महंगे हो गए हैं, आम आदमी का जीवन जीना दूभर हो गया है, इसी इशू पर हम लोग बात करेंगे। धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के धान लिए जा रहे हैं, किसानों के, छोटे किसानों के धान या बड़े किसानों के धान नहीं लिए जा रहे हैं और आज धान की कीमत सामान्य किसान आदमी 900 रुपये 1000 रुपये में बेचने पर मजबूर है। गेहूं की कीमत इस समय 1400 रुपये हो गई। आज जो किसानों की स्थिति है, किसान अपने अनाज को बेच करके अपने परिवार के भरण पोषण, जीवन यापन, दवा इलाज, पढ़ाई, लड़ बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा, शादी विवाह के लिए इस्तेमाल करता, आज उसके अनाज का दाम बिल्कुल कम है, गिर गया है। और उधर भाजपा सरकार, मोदी जी एक नई कृषि नीति ला करके किसानों की कमर और तोड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी इन विषयों पर निर्णय लेकर के आगे किस तरह से हमको क्या करना है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी सर,